हेलो, यूट्यूब पे स्वागत है आप सबका। दोस्तों, मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो अपनी विंडो ग्रिल है, जो कि आप ग्रेनाइट में फिटिंग की जाती है। ग्रेनाइट के ऊपर से ऐसी फिटिंग आपने कभी नहीं देखी होंगी, आप देख सकते हैं। ये जो दोस्तों, ये जो पट्टी है, ये 35 पाँच की पट्टी है। इस पे अपन अब जो मार्किंग कर लेंगे, चलिए अब पट्टी ले लेते हैं। इस पट्टी पे अपन 3 इंच पे बार डालने वाले हैं, जो कि बार 12 mm का है। माप आप एकदम तंतोतंत से लिया जाएगा। दोस्तों, मार्किंग करने के बाद पंच करना कभी नहीं भूलना। पंच करने से अपनी जो ड्रिल मशीन की जो बीट रहती है, जो होल रहता है अपना, वो होल जो है सेंटर में आ जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना जो पट्टी ली हुई है, अपने को 6 पट्टियाँ होना है। 6 पट्टियों का अपन एक साथ होल गिराने वाले हैं, तो पट्टियों को 6 पट्टियाँ मिला के अपन उसका एक बंडल बनाएंगे, जो कि होल गिराने को आसानी हो जाए और हम जो बार डालने वाले हैं वो आसानी से उस पट्टी में से आर पार इधर से उधर एक ठीक ठाक से चले जाए। इस तरह से 6 पट्टियों का एक बंडल बना लेंगे और उस पे अपन ड्रिल मशीन से सुराख गिराएंगे। इस तरह से अपन एक-एक दाग मार लेंगे वेल्डिंग का, अपोजिट साइड मार लेंगे, ताकि अपना जो बंडल रहता है वो टेढ़ा ना हो जाए। इस तरह से अपना जितना भी विंडो रहता है उस उतने बंडल हम बना के ले लेंगे। चलिए, यहाँ पे हम ड्रिल मशीन से, जो कि 12 mm होल गिराने हैं अपने को, अब 12 mm का होल अपन ड्रिल मशीन से मार लेंगे। अपना 3 विंडो है, 3 विंडो के अपन ने 3 बंडल बना लिए हैं और तीन ही बंडल को अपन होल गिरा लेंगे। अब बारी आती है जो मेन जो पट्टियाँ है अपनी, जो अपन ने विंडो के लिए साइड फ्रेम बना लेते हैं। उस साइड फ्रेम को अपन जो अभी इस पट्टी पे जो मार्किंग कर रहे हैं वो अपन होल गिराने के वास्ते कर रहे हैं। ये जो होल गिराने वाले हैं अपन, ये विंडो में अपन जो कि 10-10-40-10-50 के स्क्रू मारने वाले हैं अपन, जो कि ड्रिल से ग्रेनाइट को होल मार के फिर उसमें अपन स्क्रू डाल देते हैं। उसके वजह से अपन ये होल गिराने वाले हैं, जो कि ग्रेनाइट के लिए सेफ्टी होता है। अपन जो खिले वापरते हैं, जो कि बॉम्बे खिले इस प्रकार के, इसमें अपने को वो बॉम्बे खिले नहीं ठोकना है। वो बॉम्बे खिले के वजह से जो ग्रेनाइट की जो ग्रेनाइट जो होता है वो टूटने फूटने का ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए इसमें ऐसा चांस नहीं रहता है। इसीलिए अपन इसको जो 10-50 का स्क्रू होता है, उस स्क्रू की साइज़ अनुसार अपन इसको होल सुराख गिराने वाले हैं। चलिए, अब बारी आती है अपनी विंडो की जो फ्रेम बनाने की है।
इस तरह जो अपन ने अब सुराग गिरा लिए हैं, आप देख सकते हैं इस पट्टी में अपन ने जो स्क्रू मारने के वास्ते जो होल मारे हैं, उस होल के हिसाब से अपन पट्टी रख देंगे, ताकि अपने जो बार डालने वाले हैं वो बार इधर उधर ना हो जाए। इस तरह से आप फ्रेम बना लेंगे, पर एक बात ध्यान रखना है कि हम जिस ग्रेनाइट का माप लाए हैं उसी ग्रेनाइट के हिसाब से जो MM में माप लाया हुआ है उसी तरह से आप बार बार टेप लगा के एकदम फिक्स माप लेके ही बनाना, ताकि ग्रेनाइट पे अच्छी तरह से फिटिंग हो सके। हम आपको ग्रेनाइट में फिटिंग करके भी दिखाने वाले हैं कि ये विंडो ग्रेनाइट पे किस तरह से फिट होती है और फिट होने के बाद किस तरह दिखती है। एक जो अपन वेल्डिंग रहती है वो बाहर के साइड से मार लेना, ताकि वो अंदर से अच्छी तरह से फिनिशिंग आ सके, अच्छी तरह से दिखा सके। इस तरह अपन ने फ्रेम बना ली है। इसमें बस एक ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह ही बन जाए। जो चारों तरफ के माप है जो अपन ने विंडो में लिया होता है वो अच्छी तरह से परफेक्ट माप होना चाहिए। अब इस तरह से फ्रेम बनने के बाद जो अंदर की पट्टियाँ रहती है वो जो कि एक डिस्टेंस जो अपने हिसाब से साइट में कितना रखना है और अंदर कितना रखना है ये अपने अपने हिसाब से मार्किंग कर लेना है। फिर बाद में जो अंदर की पट्टियाँ रहती हुई वो बिठा लेना है। इस तरह से पट्टियाँ जोड़ लेना है, ताकि इधर उधर अपनी फ्रेम हिल ना सके। इस तरह से पट्टियाँ जोड़ने के बाद अपने को इसके अंदर पहले सेंटर में एक 12 mm का बार डाल देंगे। चलिए अब बार सेंटर में डाल लेंगे, ताकि इस फ्रेम को और भी मजबूती आ सके और अपने को भी एक अंदाज़ आ सके कि अपने को ये बार फिक्स कितने MM का रखना है, जो बाहर की और इधर की जो साइड रहती वो फिक्स तरह से बिट सके। देखिए इस तरह से विंडो में अपन बार डाल सकते हैं, ताकि ये आसानी से अंदर चला जाता है। ये तभी ठीक रहता है जब अपन होल गिराते वक्त अपने को कितने पट्टियों को होल गिराना है वो एक साथ ही होल गिराए, ताकि अपने को बार बिठाने में कहीं भी थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो सके। इस तरह से अपना इस बार को अपना टेप लगा के जो साइट का माप रहता है उसी माप से फिक्स कर देना है।
देखिए इस तरह से हमको टेप से फिक्स एमएम में रखना है ताकि अपनी पट्टी जो है इधर उधर टेढ़ी चौड़ी ना हो सके। चलिए अब इस तरह अपन विंडो में सब 12 mm के बार डाल लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। इस तरह से अपन बार डाल लेंगे। अब अपनी विंडो पूरी तरह से रेडी होने के लिए तैयार है। अभी बहुत कुछ बाकी है, देख सकते हैं अपन कितना इजी है ये बार डालने में, जो कि आसानी से बार अंदर चले जाते हैं। ये सिर्फ अपने एक साथ होल गिराने की वजह से ही सही तरीके से अपने बार अंदर जाते हैं। देखिए हमने पूरी तरह से बार बिठा लिए हैं। अब हम इस विंडो को साइड के बार को जो थोड़ी भार बर रही थी वो घस के अंदर से डाल देंगे, और एक साथ एक साइड जो रहती है वो पूरी तरह से बाहर से अपन इसको वेल्डिंग मारेंगे, अंदर से नहीं मारेंगे, ताकि अपनी विंडो सही तरीके से और अच्छी दिखे। जो बाहर की साइड है वो विंडो में दब जाती है और अंदर में आपको कोई भी टाका नहीं दिखता। और वो सबसे पहली तो बात ये है कि वो ऐसी विंडो लगती है कि जैसे कि माने ये बार डायरेक्ट ग्रेनाइट में डाले गए हैं। इस तरह जो अंदर की जो पट्टियाँ होती है वो भी सीधी तरह से एकदम परफेक्ट कर लेना, फिर बाद में उसमें नॉर्मल एक एक टाका मार देना, ताकि अपनी जो विंडो है वो सही तरीके से फिटिंग और पकड़ आ जाए दोनों भी। इस तरह से ये जो अपनी विंडो है वो रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह से अपनी विंडो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसको ऐसी बाहर से अपन ने वेल्डिंग मारी है। ये साइड में अपन ने कुछ बार को मारी है, कुछ नहीं मारी है, ताकि ये फिटिंग की वक्त जो पट्टियाँ है वो सीधी और आसानी से अपने बिठा सके। अब बारी आती है इसमें अपने को एक डिज़ाइन डालने की है। वो डिज़ाइन डालने की जो दोनों पट्टिया का जो सेंटर है वो सेंटर ले लेना है। उसके बाद सेंटर से अपोजिट 2 इंच 2 इंच इधर, जो कि बीच में का बार जो है वो एक बार से लंबा है और बाकी के जो है वो एक बार से कम है। इस तरह मार्किंग कर लेना है। चलिए इस तरह से अपन ये डिज़ाइन बना लेंगे। एकदम सादी सिंपल डिज़ाइन है। इस तरह से एक जो बीच में का जो है वो लंबा बार है, और जो साइड में दो है वो छोटे छोटे बार है। इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन अपनी बन चुकी है।
अपनी विंडो अब परफेक्ट रेडी फिटिंग के लिए रेडी हो गई है। ये विंडो किस तरह फिटिंग की जाती है वो अपने को अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। वो डायरेक्ट ग्रेनाइट में फिटिंग कैसे की जाती है। गुड बाय दोस्तों, मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें।